चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी और किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया। तो वहीं रेवाड़ी में बनने वाले एम्स पर भी मंथन हुआ। विपक्ष द्वारा अल्पमत की सरकार बताने को लेकर विचार किया गया। तो वहीं मूलचंद शर्मा ने कहा कि हम बहुमत साबित करने को तैयार, विपक्ष पुत्र मुंह में डूबा हुआ है, उसको सिर्फ सत्ता की चिंता है, जनता की नहीं। जो भी विषय थे अपने, एक तो पुलिस से संबंधित भर्ती का था, पुलिस संबंधित, दूसरा क्या है कि रेवाड़ी में जो एम्स कॉलेज बनना उसकी जमीन के बारे में था, जो इसमें जमीन थी उसका, और तीसरा एक्साइज पॉलिसी पे जो भी है उस पर कैबिनेट आई थी, और इस पर जो भी मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। किसानों की पेमेंट है जो जल्दी जल्दी इनको लिफ्टिंग करेंगे, जल्दी जल्दी किसानों की जो पेमेंट है और जल्दी इसी उसमें समय से पहले उनकी पेमेंट भी कराने का, कि गेहूं की जो उठान है बहुत इतनी तेज गति से नहीं है, धीमी गति से, पर किसान इंतजार क्यों करें कि किसान की पेमेंट किसान के पास जानी चाहिए, इसका भी प्रयास करें जल्दी जल्दी किसान के खाते में पैसे जाए। उनका विपक्ष में कहने के लिए कोई बात तो है नहीं। अब कहा, जब उसके कहा मुख्यमंत्री आज मनोहर लाल जी ने कहा हम पटल पे तैयार हैं, राज्यपाल कहें तो हम दिखा देंगे, पर हम क्या, हम आज भी कहते हैं पूर्ण बहुमत की, हमारे पूर्ण बहुमत है और उनके लोगों के साइन हमारे पास है जो हमारे साथ खड़े हैं। अब इन्हें क्या पता कौन साथ है कौन नहीं है, ये समय बता देंगे हम कौन किस। विपक्ष जो अल्पमत की बात सर करते नजर आ रहा है, उसको क्या आप किस तरीके से जवाब देंगे, बयान का जवाब बयान से देंगे या फिर आप नंबर दिखा कर देंगे? नहीं, हमने विपक्ष को बहुत जवाब दिए हैं, पर विपक्ष को काम नहीं है। विपक्ष तो पुत्र मोह में डूबा पड़ा, पुत्र मोह, जैसे कौरव पुत्र मोह में लौट गया, दुर्योधन मोह में, कुछ भी नहीं चाहिए, दुर्योधन के मोह में राज, दुर्योधन राज का मालिक बनना चाहिए, ये तो पुत्र मोह में मर चुके, इन्हें कोई परवाह किसी की नहीं है। नहीं देखिए, अभी जो उनका, जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया, शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाएंगे वहां सामने उपस्थित होंगे, तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा, तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संकेत भी दिया था कि सरकार तैयार है। मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध कर देंगे।